हेलो दोस्तों, मैं आयान आपके सामने फिर से मौजूद हूँ। आज का जो बेसिकली प्रोडक्ट होगा हमारा तसर घिच्चा होगा। बहुत लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैं ये जो प्रोडक्ट है वो लाइव लेके आया हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये 100% प्योर तसर घिच्चा जो बोलते हैं, ओरिजिनल रेशम भी, इसे रेशम भी कहा जाता है मार्केट में, रेशम सिल्क भी कहा जाता है। और ये जो प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ ना, ये 100% प्योर तसर घिच्चा सिल्क है जो एक नंबर क्वालिटी है। मैंने आपको लास्ट टाइम जो दिखाया था वो आपको नॉर्मल कोरा प्रोडक्ट दिखाया था जिसकी फिनिशिंग नहीं हुई थी, और ये जो आप देख रहे हैं ये कम्प्लीट फिनिशिंग वाली प्रोडक्ट है। फिनिशिंग होने के बाद इसकी शाइनिंग जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी जो होती है वो थोड़ी सी और भी अच्छी हो जाती है। ये जो प्रोडक्ट है ये 100% प्योर तसर घिच्चा सिल्क है। चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डीपली बता देता हूँ। देखिए, तसर घिच्चा जो फैब्रिक होती है उसका धागा ना थोड़ा मोटा होता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है कि इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, इतना होता है कि आप इसकी साड़ी, कुर्ते, ये सारे प्रोडक्ट आप आराम से बना सकते हो। और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट होती है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है, क्योंकि 100% प्योर कोकून का जो मेकिंग होता है ये 100% प्योर कोकून से बनाया जाता है। और ओरिजिनल की पहचान जो होती है, मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें जो ब्लैक लाइनिंग आप देख रहे हो, ये स्मॉल स्मॉल जो ब्लैक लाइनिंग आती है, ये तसर घिच्चा की गोटी जो कोकून से बनाया जाता है उस गोटी से बना होता है। तो इसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। GSM जितना ज़्यादा, जितना भी धागे का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो उस वजह से इसकी क्वालिटी जो है और अच्छी होती जाएगी। और रही बात ये जो फैब्रिक होती है, इस जो फैब्रिक की जो क्वालिटी आती है वो 30 से 33 मीटर का कंप्लीट एक रोल आता है, और इसकी जो विड्थ आती है वो 45 इंचेस विड्थ आता है। 32-33 मीटर से एवब भी क्वालिटी रोल जा सकता है, उससे कम नहीं आता है। और 5-10 मीटर्स जो होता है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये आपको नेचुरल है, ये नेचुरल आपको मिल जाएगा। डाइंग का चार्जेस जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये सिर्फ मैं आपको अभी फ़िलहाल नेचुरल दिखा रहा हूँ। इसमें जितने भी कलर अगर आप चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चाहते हैं तो वो आपको आराम से मिल जाएगा। ये तो हो गया तसर घिच्चा, जो मैंने आपको बताया था तसर घिच्चा की क्वालिटी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कोरा ये था जो हमारे जो हैंडलूम जो होता है ताना से जब उतरता है, तो उस समय मैंने आपको क्वालिटी दिखाई थी, और ये फिनिशिंग के बाद की क्वालिटी है। चलिए, ये तो हो गया हमारा तसर घिच्चा। अब दूसरा प्रोडक्ट मैं दिखाता हूँ तसर में। तसर भी वो जो मार्केट में जिसे पेपर सिल्क कहा जाता है, ये एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत ही फाइन क्वालिटी होती है, बहुत ही लाइट वेटेड प्रोडक्ट होता है, और बहुत ही हल्की क्वालिटी बोलते हैं ना, एकदम हल्का होता है, जैसे पेपर सिल्क के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए मैं इसकी क्वालिटी पास से दिखाता हूँ। इसकी शाइनिंग आप देख रहे हैं, ये 100% तसर वाई तसर है। लोग बोलते हैं हमें प्योर तसर चाहिए, प्योर सिल्क चाहिए, तो ये जितनी भी क्वालिटी मैंने दिखाया, ये तसर घिचा भी जो मैंने आपको दिखाया है वो भी 100% प्योर है, और ये भी प्योर है। जितने भी कोकून से बने होते हैं वो सारे के सारे 100% प्योर क्वालिटी होती है। देखिए, ये इसे पेपर सिल्क कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा लेडीज़ गारमेंट्स में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा कुर्तीज़ बनते हैं, सूट्स बनते हैं, साड़ीज़ बनती है, क्योंकि बहुत ही लाइट वेटेड होता है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट होती है। और ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये भी 30 से 33 मीटर का रोल्स आता है, और इसमें कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, कलर इसमें आपके अकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो हम जो बनाते हैं वो सारा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये जो क्वालिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पेशली बहुत लोगों को कमेंट होता है, बहुत लोग कॉल करते हैं कि सर हमें ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल तसर चाहिए, तो ये जितने भी प्रोडक्ट आते हैं ये सारे ओरिजिनल में ही आते हैं। देखिए, ये पेपर सिल्क है, ये देसी तसर नहीं है। देसी तसर में क्या होता है कि तसर घिचा का ही एग्जैक्ट लुक होता है, सेम लुक तसर घिचा का ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो तसर घिचा से थोड़ा पतला फैब्रिक होता है, क्योंकि इसका धागा जो होता है वो 4-5 धागों का ही कॉम्बिनेशन होता है, और तसर घिचा का जो धागा होता है वो 10-12 धागों का कॉम्बिनेशन बन के एक धागा बनता है। तो ये जो फैब्रिक मैं दिखा रहा हूँ ये 100% पेपर सिल्क बोला जाता है, तसर बाई तसर बोला जाता है, या तसर कोरिया आप बोल सकते हैं कोरिया के नाम से, या फिर पेपर सिल्क बोल लेंगे तो वो पेपर सिल्क के ही नाम से आपको ये चला जाएगा। इसमें भी जो क्वालिटी आती है 3 क्वालिटी आती है, इसमें आपको दुपट्टा भी मिल जाएगा, साड़ी भी मिल जाएगा। लास्ट जो वीडियोज़ मैंने आपको दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था, इसी प्रोडक्ट में मैंने साड़ी
को एम्ब्रॉयडरी करके डिज़ाइन बनाया था, जिसका लुक भी बहुत ही अच्छा आया था, बहुत अच्छा पैटर्न आया था, उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा आया था। आप हमारे लास्ट वीडियोज़ में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, ये जो कलर्स मैं दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल में डाई, ये जो होता है वो नेचुरल फैब्रिक होता है। नेचुरल फैब्रिक जब डाई होता है, डाई होने के बाद उसका एग्जैक्ट लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको आर पास से दिखाता हूँ। इसे पेपर तसर सिल्क कहा जाता है। देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, प्योर तसर जो बोलते हैं इसे, प्योर तसर, बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी फैब्रिक होता है। आप इसे साड़ी भी बना सकते हैं। इसका भी विड्थ जो आता है वो 45 इंचेस होता है, 100% प्योर है। कलर होने के बाद इसकी शाइनिंग और भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये देख सकते हैं बोटल ग्रीन है। इसके पास से मैं आपको दिखाता हूँ इसके फैब्रिक की क्वालिटी। देखिए इसका आप कुर्ता सूट जो भी बनाना चाहते हैं वो बहुत आराम से आ जाएगा। अभी होली का सीज़न है, होली में सबसे ज़्यादा कुर्ता जो सिल्क का चलता है वो इस तरह से चलता है। पेपर सिल्क में जो मार्केट में रिव्यू है, मार्केट में जो डिमांड है, वो स्पेशली इसे जेंट्स का कुर्ता बना सकते हैं और लेडीज़ का कुर्ता बना सकते हैं। ये 2 मीटर 2.5 मीटर आपको नहीं मिलेगा। इसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो आपका 10 मीटर होना चाहिए, तब जाके ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो अभी जो मेरा प्रोडक्ट बेसिकली मैंने आपको दिखाया वो तसर घीचा और पेपर सिल्क मैंने दिखाया। जो बहुत लोग बोलते हैं ये जितना प्रोडक्ट है ये सारे हैंडमेडेड प्रोडक्ट होते हैं, तसर के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे हैंड प्रोडक्ट बनते हैं। इसका नेचुरल पे मैंने आपको नेचुरल पे कलर्स दिखाया था। नेचुरल पे साड़ी भी बनती है, नेचुरल पे सूट पीसेस भी बनते हैं और नेचुरल पे आप इसका दुपट्टा भी बनवा सकते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे 100% प्योर प्रोडक्ट है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। ये तसर घीचा हो गया, फिर से मैं बता देता हूँ। तसर घीचा का जो धागा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, इतना भी मोटा नहीं होता, क्योंकि इसकी जो साड़ी सबसे ज़्यादा बनती है मधुबनी हैंड पेंटेड का, जितना भी प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला होता है। और ये वाला जो प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ ये तसर वाई तसर पेपर सिल्क बोला जाता है, जो देसी तसर जो होता है, देसी तसर से थोड़ा सा फाइन क्वालिटी होता है, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा नेचुरल आता है, क्रीमिश कलर आता है, और तसर में जो आता है वो ब्लैकिश लाइनिंग आएगा, ब्लैकिश लाइन की वजह से वो तसर जाना जाता है। तो आज का जो बेसिकली मेरा जो प्रोडक्ट था वो स्पेशली जो फैब्रिक में डील करते हैं, जो बुटीक चलाते हैं, तो जिन्हें फैब्रिक लेना पसंद है, तो फैब्रिक के लिए आप ये सारे प्रोडक्ट आपको बहुत ईजी वे में मिल जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा या फिर हमारे आउटलेट भागलपुर से आके आप डायरेक्टली इसे परचेज करना चाहते हैं तो भागलपुर आउटलेट पे आके ये सारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी देख सकते हैं, ये 100% प्योर हैंडलूम प्रोडक्ट है और सबसे अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है। जो मार्केट में चलता है वो लोएस्ट क्वालिटी हम नहीं बनाते हैं। फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, अपना जितना भी काम है वो 1 नंबर क्वालिटी का है, 2 नंबर में नहीं डील करते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है आपको परचेज करने का सिंपल सा तरीका है, कौन सा कलर आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर इसमें बता सकते हैं। मैं आपको कलर चार्ट शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो ये जितने भी कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, जितना भी चूज़ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2.5 मीटर से मिनिमम जो आप लोग बोलते हैं मुझे 2.5 मीटर चाहिए, तो 2.5 मीटर हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 2.5 मीटर इसमें बहुत मुश्किल है। आप क्वालिटी ज़्यादा बोलेंगे तो क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगा। मिनिमम भी अगर इस प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर देते हैं तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 10 मीटर से अबव आपको देना पड़ेगा। और इन प्रोडक्ट में जो तसर बाई तसर होता है, जो जिसे पेपर सिल्क भी कहा जाता है, इस वाले सारे प्रोडक्ट में 15 मीटर्स का आपको मिनिमम कट मिलेगा। 2 मीटर या 2.5 मीटर मैं नहीं दे पाऊँगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहता हूँ। लेकिन हाँ, जब आप ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे जो क्वालिटी वाइज होगा, तो आई एम डैम श्योर कि आपको जब ये मिलेगा तो आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, क्योंकि इस क्वालिटी में बहुत ही टाइम लगता है लेकिन क्वालिटी मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन करता हूँ। तो अभी के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, जल्दी नए प्रोडक्ट में, जल्दी आपको देसी तसर में भी इसके बाद मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, तो उसके बारे में भी आपको डीपली नॉलेज दूंगा, दोनों को वेरीफाई करके बताऊँगा कि दोनों में कितना डिफरेंस होता है। अभी के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बाय गाइस एंड गुड नाइट।